आ जा 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 ए ओ दे दैट्स मैसेज कुछ ही हो जाए। हम वॉक करते हुए जा रहे हैं इस तरफ से नीचे और ऑल द वे उधर तक सी व्यू पॉइंट तक। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आपको पीछे व्यू को देखकर अंदाजा हो ही रहा होगा और थंबनेल पे भी ऑब्वियसली आपने देख लिया होगा। आज हम आए हुए हैं रबात मोरक्को सिटी के सी व्यू पॉइंट पर। सर ये अभी मगरिब होने ही वाली है, एक घंटा बाकी था तो हमने सोचा क्यों ना इधर आया जाए और थोड़ा सा सी को एंजॉय किया जाए। और वैसे अगर हम पहले पीछे थे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो काफी चेंज हो गया। हाँ, इसलिए मैंने जैकेट निकाल के भी पहन लिया है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और लहरों से आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही है इधर। और यहाँ पर तो ठंड भी काफ़ी है, टेम्परेचर टोटली डिफरेंट है हमारे होटल वाली साइड से जहाँ पर बहुत से लोग फिशिंग करने आए हैं। बाकी ये सैंड बीच है और हमारे लास्ट व्लॉग में कस्बा उदाया शाम लास्ट नाइट इस जगह पर थे ऊपर और आज हमने प्लान किया था हम नीचे आएंगे इधर। और अभी प्लान कुछ इस तरह से है कि हम वॉक करते हुए ऑल द वे एंड तक जाएंगे और साथ साथ आपको चलकर दिखाते हैं। अच्छा जी, इधर अभी हम वॉक करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर मुझे अपने कजन की बात याद आ गई। मलिक अदरीस साहब, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो मैं ये कहना चाहता था आप कह रहे थे नायग्रा फॉल्स जा रहा हूँ कनाडा, यहाँ पर भी नायग्रा फॉल्स वाला ही सीन है। इस जगह पर हम रुके हैं क्योंकि सूरज सामने गुरूब होने वाला है और नीचे समुंदर की लहरें, नीचे सी की जो वेव्स हैं कमाल की लग रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर खड़े होकर व्यू को इंजॉय करते हैं। यहाँ पर सारे एक अच्छी टाइड का वेट कर रहे हैं अपने अपने बोर्ड के साथ, जब अच्छी टाइड समुंदर की आएगी तो फिर ये उसे यूज़ करके ऑल द वे इस तरफ आएंगे। ये चीज़ इसकी मैं बात कर रहा था। ओके, रबात सी व्यू पॉइंट के बिल्कुल एज पर आकर मैं भी यहाँ पर ऊपर खड़ा हूँ, ज़रा आपको व्यू दिखाते हैं। लाइट हाउस ये है, पहले हमारा प्लान था इस जगह पर जाने का लेकिन बाद में सोचा ये जगह ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अभी जो है समुंदर की टाइड्स थोड़ी सी कम हो गई हैं लेकिन पहले यहाँ तक पानी आ रहा। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं भी दोबारा आए ट्राई करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ये तो लग तो रही है ऊँची आएगी, ये जो सामने आ रही है ये वाली। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, आ जा। That's messy. कुछ ही हो जाए। ये
तो मैं उतर था, लकीली बच गया हूँ। महाराज जी अभी चलते हैं वापस घर की तरफ। से आज हमारा प्लान बोट का भी था, लेकिन बोट में ज़रा इशू हो गया। इशू ये हो गया कि हम घर से ज़रा लेट निकले हैं। वैसे तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है रबात सी साइड, लेकिन इसका एक पर्पस भी है। अगर आप यहाँ पर ये स्टोन्स देखो तो इन्होंने ये स्टोन्स खुद रखे हुए हैं, इस तरह भी रखे हुए हैं खुद और इस तरह भी रखे हुए हैं खुद। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इस जगह पर देखो जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम कल जाएंगे बोटिंग के लिए, इस जगह और इस जगह के दरमियान इनका एक रिवर है, इन्होंने बीचों बीच एक रिवर बनाया हुआ है ऑल द वे जो अंदर तक जाता है, अंदर मेन सिटी तक। तो और वहाँ से रबात सिटी और साले सिटी को आपस में कनेक्ट करता है। तो इन पत्थरों को रखने का मकसद ये है कि टाइड्स को जो है कंट्रोल में रखा जाए, ज़्यादा स्पीड से पानी अंदर सिटी की तरफ ना जाए। बाकी इस साइड पर ओपन उन्होंने रखा हुआ है, इधर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड पर उन्होंने इस वजह से रखा हुआ है रिवर की वजह से, रिवर जो कनेक्ट करता है साले सिटी और रबात। बहरहाल जी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करिएगा। इसी के साथ होती है मुलाकात थोड़ी सी देर में आगे चल के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। वापस ऊपर आ गए हैं, ये सामने कार पार्क है छोटा सा, और हम ऑल द वे वॉक करते करते उधर सामने तक गए हुए थे। मगरिब हो गई है, मगरिब जाने स्टार्ट हो गई हैं। ये सामने कस्बा उदायस की बोल है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं, ज़रा डिफरेंट मुझे लगी। ये सारा ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। ऑल द वे यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से स्टार्ट होता हुआ जिधर तक आप देखो दूर 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 तक कब्रें ही कब्रें हैं, और सारे का सारा फुल है। इस तरफ भी देखो आगे तक फुल है सारा, उस तरफ भी देखो आगे सारा फुल है। बारह जी अभी आगे चलते हैं।